भैया इतना मेहनत करवा रहे हो महाराज, ये ठीक नहीं है, ये तो कमाल है भाई। पैसा तो तू 1.25 लाख रुपया लियो है, 1.5 लाख हमने सुना है पांडे जी से 1.25 लाख ले लिया हमारे नाम पर। कौन खाया बीच में पैसा बताओ? नहीं, बात सही है। मैं खुलेआम इसलिए बोलता हूं कि मैंने आपको पहले कहा है अपर टेबल एंड अंडर टेबल कुछ नहीं होगा। हमारा आपका प्रेम, बलदाऊ जी ने बुलाया, पांडे जी ने हमें कहा और हम आकर के बाबा कल्याण देवाचार्य जी के भक्तों के बीच ये कथा कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव का विषय है, हम इसके लिए यहां पर आए हैं। पर ये लोग पैसाखोर लोग, कोई साउंड में पैसा खा जाए, कोई कहीं खा जाए, हमारो नाम बदनाम करे। महाराज ठीक से साउंड लगाओ, छूटोगे नहीं। प्रहलाद जी को नारद जी ने पढ़ाया तो संडा मर्ग के पढ़ाई का असर नहीं पड़ा। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं, ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। अगर नारद जी जैसा कोई गुरुदेव तुम्हारे जिंदगी में आ जाए तो वो शिक्षा तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी, जैसे संडा मर की शिक्षा प्रहलाद पर काम नहीं की। मैकोले की शिक्षा मजबूरी है, पर गुरुदेव की शिक्षा जरूरी है। भारतीय गुरु, निष्णात गुरु, वैदिक गुरु, सनातनी गुरु की शिक्षा आपके जीवन में जरूरी है, और मैकोले चाचा की शिक्षा मजबूरी है, वो पढ़नी है। लेकिन नारद जी रहेंगे तो क्या मुंह से निकलेगा फिर? कितना भी पढ़ा दे संडा मर्क, पर प्रहलाद क्या कहता है? नारायण नारायण, अरे पिताजी। पिताजी पूछते हैं, बेटा तूने क्या पढ़ा? कहा हमने यही पढ़ा कि झूठ मूठ का गृहांत कूप त्याग करके नारायण का भजन करो जाके। बोला छो, नारायण हमारो शत्रु और तू हमें नारायण को भजन करवा दे? वो सही उठा के महाराज संडा मर्क ने कहा, बच्चा है हम ठीक कर लेंगे, एक बार और दीजिए। फिर ले गए वो तो, वहां गए महाराज प्रहलाद तो जितने विद्यार्थी थे धीरे धीरे सबके भीतर में भागवत भर दिया। सब बच्चों से कहता, एक दिन बच्चों ने कहा, प्रहलाद तू भी तो असुर के घर में जन्म लिया है, तेरे गुरुजी भी संडा मर्क हैं, तू ये सब बातें लाता कहां से है, किसने सिखाया है? तो प्रहलाद ने कहा, हमको कोई यहां नहीं सिखाया है, हम तो मैया के पेट से सीखे सिखाए आए हैं, नारद जी ने हमको सिखा के भेजा है, हमारे गुरुदेव ने हमको सिखा के भेजा है। इसलिए गर्भवती माताओं ये मत सोचना कि गर्भ जब तक है तब तक उपन्यास और वेब सीरीज देख के, और जब बच्चा पैदा हो तो पंडित जी को बुला के पूजा करा के, और यह सोच लेना कि शिवाजी पैदा हो जाएगा, और यह सोच लेना कि लौकुश हो जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में सब कुछ सुनता है वो, और ये बात विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। ध्यान से सुन लो, इसका 25,000 रुपया काट लेना पांडे जी, अगर नहीं काटे तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। महाराज हमारो प्राण निकाल लियो तो प्रहलाद जी ने दिव्य भाव से उनके ऊपर अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ठिकाना हुआ। एक बुआ जी थी, बुआ जी को कह दिया कि जाओ इनको मार डालो। बुआ जी को ब्रह्मा ने बहुत बड़ा पुरस्कार और बहुत बड़ा महाराज क्या बोलते उसको वरदान दिया हुआ था कि तू आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं। चादर ओढ़ के बैठ गई आग में। सुबह उधर से हिरण्यकश्यप आया खुश होकर के, मूंछ ऐसे करते हुए देखा राख राख है, और पीछे से निकल के प्रहलाद आ रहा है। बोला तू? बुआ कहां गई? बोला बुआ तो महाराज रातें में धुआं हो गई। बोला धुआं हो? हम तो सोचे तू धुआं हो जाएगा। सो होलिका गाली देने लगी रात में, कह रही ब्रह्मा तू झूठा है, तूने मुझे आशीर्वाद दिया था मैं आग में जलूंगी नहीं। ब्रह्मा ने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया था कि तू जलेगी नहीं, पर तू जब किसी नारायण के भक्त को जलाना चाहेगी तो जरूर जलेगी, और जल्दी जलेगी, याद रख लेना। वरदान शक्ति अधिकार पावर तुम्हारे पास हो सकते हैं, पर जब जब नारायण के भक्तों के ऊपर अत्याचार करोगे
दिया हुआ पावर शक्ति और धन भी काम नहीं आएगा, होलिका की तरह चल जाओगे। नारायण के भक्तों से दुश्मनी मत लेना, नारायण के भक्तों से शत्रुता मत लेना, नहीं तो कोई शक्ति काम नहीं आएगी। हमारी भारतीय धर्म सनातन धर्म श्रीमद् भागवत निरंतर आपकी सेवा करती रहेगी। ध्रुव का कथा हम भूल गए तो हम कल चढ़ा देंगे।